मैं अभी ऋषिकेश केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में भीरी जगह पे हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ऑल वेदर रोड का यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है उससे लोगों को यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं सड़क का पोर्शन काफ़ी मिट्टी और कीचड़ से जो भरा हुआ है। यहाँ पर जो ऑल वेदर रोड के अंतर्गत जो इलाके जहाँ पर बस्ती है वहाँ पे इस तरह से यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सड़क जो पहले चौड़ा हुआ करती थी उससे काफ़ी कंजेस्टेड हो गई है और करीब 6 मीटर से 7 मीटर के बीच चौड़ाई रह गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऊंची नालियाँ बनी हैं सड़क के दोनों तरफ। ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं इस तरह से, तो ये और भी ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई है सड़क। और जब चार धाम यात्रा यहाँ से गुजरेगी आप समझ सकते हैं कि क्योंकि जब हैवी ट्रैफिक होगा और चौड़ाई इतनी कम होगी और सड़क से बाहर निकलने का ऑप्शन भी लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इस तरह से नालियाँ बनी हुई हैं, ऊंची नाली, और करीब 2 फीट ऊपर है ये सड़क से, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होंगे। और जो यहाँ पे आपके होटल्स बने हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं सड़क के दोनों तरफ, जिस तरह से ये यहाँ पे एक होटल है जहाँ पे मैं ठहरा हूँ, वो होटल, इसकी जो पार्किंग है वो भी बाधित हो गई है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये समझ नहीं आता कि राष्ट्रीय राजमार्ग किस तरह से जो ये 12,000 करोड़ रुपया दिया गया है उसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि सड़क तो चौड़े होते हुए दिखाई नहीं देती। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग का कंसर्न इस ओर दिलाना चाहूँगा कि जो ये सड़क वो बना रहे हैं तो ये कहीं भी मुझे तो चौड़ी होते हुए दिखाई नहीं देती। और अगर ऑल वेदर रोड चौड़ी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि नालियों का कोई औचित्य है। ऑल वेदर रोड का जो पोर्शन बनाया जा रहा है आपके विधानसभा और केदारनाथ वाले इलाके में, जगह जगह जो छोटे बाजार हैं जैसे रामपुर है, कई छोटे छोटे बाजार इस तरह से हैं जहाँ पे दोनों तरफ सड़क के नालियाँ ऊंची ऊंची बना दी गई है, जिससे जो ऑल वेदर का पर्पस था कि सड़क को चौड़ा बनाया जाएगा, दुकानों के आगे पार्किंग होगी, वो तो काम हुआ नहीं, उल्टा जो कारोबार लोगों का है वो प्रभावित हो गया है। इस मुद्दे को लेके क्या किया जा रहा है? देखिए, हमने रामपुर से में जब रोड ने शेप लेना शुरू किया तो हमने देखा कि दोनों तरफ एलिवेटेड इन्होंने नाली बनाई है, एक एक फुट की नाली ऊंची बनाई है, जिससे सड़क की जो इफेक्टिव चौड़ाई है वो पहले से कम हो गई है। और उससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया है कि हमारे कारोबारियों के लिए सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई स्थान नहीं है। ऑल वेदर रोड एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था। अगर इसमें क्यों नहीं इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था की, क्यों नहीं इन्होंने सर्विस लेन की व्यवस्था की, और ये मुझे लगता है कि ऑल वेदर रोड जो 110 करोड़ रुपया सिर्फ मेरे जिले में इसमें खर्च किया जा रहा है, ये पैसे को खुर्द बुर्द करने और स्थानीय लोगों को रोजगार से दूर करने का एक तरीका हो गया है। एलिजिबल का नेशनल हाईवे पे जो ऑल वेदर का काम चल रहा है, कई जगह बाजारी का जो इलाका है वहाँ पे नालियाँ ऊंची बना दी गई हैं, जिससे जो वहाँ पे होटल कारोबारी हैं या दुकानें हैं वहाँ पे पार्किंग की समस्या पैदा हो गई, सड़क कंजेस्टेड हो गई तो जाम भी लग रहा है। हाँ, तो इसकी कोई रेमेडी ढूंढी जा रही सर? नहीं, ये ठीक है कि एक्चुअली जो काम किया जा रहा है वर्तमान में
ये बिल्कुल जो क्रॉस सेक्शन कॉन्ट्रेक्टर्स को दिए गए हैं जो DPR में प्राविधान है उसके अनुरूप ही वो कार्य कर रहे हैं। इसमें हमने अपनी ये समस्या को देखते हुए कि भाई दोनों ओर रेस्ट फुटपाथ है ना पेडिस्ट्रियंस के चलने के लिए, तो वो एक एसेंशियल पार्ट होता है आबादी में, लेकिन उससे जरूर हो गया है कि 7 मीटर चौड़ाई में ही मात्र कैरिज वे रह गई, दोनों तरफ फुटपाथ और रेस करके बने हैं, उसके नीचे ड्रेन है और उसके साइड में जो आधा आधा मीटर और छूटता है उसमें डक का प्राविधान रखा गया है। कतिपय जगह पे हमारी लैंड 10 मीटर से ज़्यादा भी उपलब्ध है, उसमें हम एंड में बना रहे हैं बिल्कुल, ताकि पूरी चौड़ाई को घेरा जा सके और उसमें एक शोल्डर भी अर्जन शोल्डर का प्राविधान भी रखा गया है। तो जहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है उसमें प्रयास किया जाएगा कि इसको हम फुटपाथ को उसी लेवल पर कर लें, लेकिन फिर उसमें भी एक ये इशू आ जाएगा कि पेडिस्ट्रियन की सेफ्टी के लिए का, तो सेफ्टी के लिहाज से देखें तो रेस फुटपाथ होना एसेंशियल है। अब चौड़ाई जो मानक है, मानकों के अनुसार तो चौड़ाई पूरी है, पूरी मिल रही है, लेकिन आपने जो शंका जाहिर करी है कि भाई पार्किंग वगैरह न होने की वजह से कंजेशन हो रहा है, तो उसका विकल्प पे कार्य किया जाएगा, देखेंगे उसको कि किस तरह से हम उसको एकोमोडेट कर सकते हैं।